नमस्कार दोस्तों, एबी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का सब्जेक्ट है रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर आज हम लोग समझेंगे मेजरमेंट्स ऑफ सोलर रेडिएशन। यह एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन दो तरह पूछा जा सकता है। पहला तो वह डायरेक्ट पूछ सकता है मेजरमेंट्स ऑफ सोलर रेडिएशन के बारे में, या फिर जो मेजरमेंट की टेक्निक है उन पर भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे पायरेलियोमीटर होता है और पायरानोमीटर, ये दो मेथड होती हैं। इस पर डायरेक्ट पूछ सकता है कि पायरेलियोमीटर या फिर पायरानोमीटर को समझाइए कि कैसे सोलर रेडिएशन ये मेजर करती हैं, या फिर दोनों में डिफरेंस भी पूछ सकता है। तो उम्मीद है लेक्चर को आप पूरा देखेंगे, जो मैं समझाऊंगा उसको आप ध्यान से सुनेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब आप लोग ध्यान से सुनेंगे, जो सोलर की रेडिएशन को मेजर करने की जो टेक्निक है वह सबसे पहले दो टाइप्स की होती है। पहली होती है पायरेलियोमीटर और दूसरी होती है पायरानोमीटर। लेकिन पायरेलियोमीटर को तीन भागों में डिवाइड किया जाता है। पहली होती है एंगस्ट्रम पायरेलियोमीटर और दूसरी होती है अवॉट पायरेलियोमीटर और तीसरी होती है एप्ली पायरेलियोमीटर। अब इनको हम वन बाई वन समझेंगे। सबसे पहले हम लोग समझेंगे पायरेलियोमीटर। इस तरह का जो सेटअप होता है पायरेलियोमीटर का इस तरह होता है। सबसे पहले इसके कंपोनेंट समझ लेते हैं। सबसे पहले इसमें क्या होती है, एक होलो ट्यूब होती है जो आपको दिख रही होगी, लिख भी दिया मैंने आपको, क्लियर दिख रहा होगा। होलो ट्यूब होती है जिसके दो एंड होते हैं, एक ऊपर आपको दिख रहा होगा, एक नीचे दिख रहा होगा। नीचे वाले एंड पे देखें तो हम क्या होता है, यहां पर एक ब्लैक बॉडी लगी जाती है, कोई मेटल का पीस भी हो सकता है कोई अलग, लेकिन कैसा कलर उस पर रहता है, ब्लैक कलर की रहती है। ब्लैक कलर की जो बॉडी रहती है उसको संयोजन या फिर उसके साथ अटैच किया जाता हुआ होता है थर्मोकपल मॉड्यूल। थर्मोकपल मॉड्यूल के साथ इसको अटैच कर दिया जाता है, किसको, ब्लैक बॉडी को, जो हमारा होलो ट्यूब है उसके नीचे वाले हिस्से पे, ऐसा बोल सकते हैं। इसका जो ऊपर वाला हिस्सा रहता है जहां से हमारी सोलर रेडिएशन इमिटेट कराना है, जहां से हमें डायरेक्ट मिलेगी, उस हिस्से पे हम लोग एक प्रोटेक्टिव लेंस भी लगा देते हैं कि जहां से जहां वहां पर टकराएंगी उस डायरेक्ट सीधी नीचे भी सीधी हमारी ब्लैक बॉडी पे टकराए। इस तरह एक क्या प्रोटेक्टिव लेंस लगा देते हैं। तो वाई कैसा रहता है, ओपन रहता है। और जी हमारी जो यहां पर लिखे एक्सेप्टेंस एंगल का मतलब होता है ये इस एंगल से आएंगे तो यहां पर अंदर सीधी जा सकती हैं, मतलब एक्सेप्ट की जाएंगी, जिनका यहां पर हम सही से यूज होगा कि हमारी जो सोलर रेडिएशन है वह उनकी कितनी हीट है। अब एक काम कैसे करता है, यहां पर क्या होती है, जो भी हमारी सीधी इस एंगल से जो यहां लिखा है ये सीधी आती है, जो इस कांच पर सीधी टकराती है वह सीधी अंदर जाएंगी, रिफ्लेक्ट होकर कहां, किस तरह हमने लेंस को सेट कर दिया, सीधी ये ब्लैक बॉडी पे टकराती है, ये ब्लैक बॉडी पे टकराती है, ये ब्लैक बॉडी पे टकराती है, और नीचे क्या लगा हमारा थर्मो मॉड्यूल लगा है। तो इनकी जो हीट है वह ब्लैक बॉडी पे गिरेगी तो वह महसूस करेगी, कुछ गर्म होगी। उस हीट को महसूस कौन करता है, यहां पर थर्मोकपल करता, जो हीट है रेडिएशन की जो ब्लैक बॉडी पर गिर रही है रेडिएशन, उसकी हीट को कौन महसूस करता, थर्मोकपल करता है। और इसकी हीट को वह एक मीटर के द्वारा रिफ्लेक्ट करके बता देता है कि कितनी हीट है इनके अंदर। और जो रेडिएशन, क्योंकि ब्लैक बॉडी पर जो रेडिएशन गिर रही है वो बॉडी बिल्कुल नहीं सोख पाती, डायरेक्ट पूरी की पूरी हीट सीधी उस पर गिरती है और वायर रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो क्लियर इसकी जो सोलर रेडिएशन है उसकी हीट का हमें पता चल जाता है कि कितनी हीट है थर्मोकपल के द्वारा, क्योंकि थर्मोकपल को हमने इसमें अटैच कर दिया है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। जो होता है एंगस्ट्रॉम पायरेलियोमीटर, अब यहां पर भी जो हम हीट जो यहां पर ऑब्जर्व की जाती है, जो ब्लैक पट्टी पे गिरेगी उसको भी हम किस पे, थर्मोकपल से ही क्या करते हैं, उसमें जो मीटर लगा जाता है उससे देखते हैं। लेकिन सेटअप थोड़ा सा डिफरेंस बना लिया जाता है। यहां पर भी देखो ब्लैक पट्टी का यूज किया जाता है और इसका पूरा जो की वगैरह लगी जाती है, क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस टाइप का पूरा सर्किट टाइप का बना रहता है, जिसमें आप लोग गर्म करने में उपयोग विद्युत धारा हो गई है जो, और यहाँ पर क्या हो, गैल्वेनोमीटर हमारी रेजिस्टेंस हो गया है जिसका कनेक्शन कर दिया जाता है, और इधर क्या लगी जो हम पर दिख रही है, जो विकर्ण में खुली पट्टी लगी हुई है, जो क्या विद्युत धारा से गर्म की जाने वाली जो हमारी ये पट्टी लगी होती है, एक हमारी यहाँ पर खुली पट्टी लगी जाती है जिसका कनेक्शन आप डायरेक्ट देख सकते हैं ब्लैक पट्टी का, तो ये कनेक्शन गया यहाँ से ऐसा ऐसा आया, और जो कहाँ से गर्म करने में उपयोग विद्युत धारा का यहाँ पर दिख रहा है, इसको गर्म किया जाएगा, फिर यहाँ से एक इसको जैसे की कनेक्ट करते हैं तो फिर जो यहाँ से आया है, और इधर आप देख रहे हैं ये जो जब कनेक्शन होगा तो इधर आप देख रहे हैं पूरा कनेक्शन बना हुआ है, इसका जॉइंट कहाँ से, यहाँ से ये वाली लाइन आई हुई है, देख रहे हैं ये वाली,
ऐसे ऐसा आके यहाँ से आई हुई है। और इधर क्या होता है, ये जो हमारा गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है यहाँ से डायरेक्ट हम थर्मोकपल का उपयोग करते कनेक्ट कर देते तो यहाँ से डायरेक्ट बता देता है। ये पूरा विद्युत टाइप का सर्किट है। वैसे मैक्सिमम क्वेश्चन नहीं पूछा जाता इस पर, फिर भी मैंने PDF में डिटेल्स इसकी लिख दी है, तो उसमें थोड़ा पढ़ के आप इसके बारे में कुछ लिख सकते हैं, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ये होता है एबॉट पायरेलियोमीटर। एबॉट पायरेलियोमीटर में नॉर्मल क्या होता है, एक ये पूरी हमारी स्ट्रिप दिख रही पट्टी टाइप की लगी हुई है, एक तरफ हम लोग क्या करते हैं इसके ब्लैक एंड सिल्वर डिस्क लगाते हैं, एक ब्लैक कलर की क्या सिल्वर डिस्क लगा देते हैं, यहाँ पर आपको दिख रही होगी। और दूसरी ओर जहाँ पर जो हमारी रेडिएशन है सूर्य की, जहाँ से ऑब्जर्व करेगा, जहाँ पर रिफ्लेक्ट होगी, वह दूसरा हिस्सा खुला छोड़ देते हैं। फिर क्या करते हैं, और इसके जहाँ पर सिल्वर ब्लैक पट्टी लगी, वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं थर्मोमीटर लगा देते हैं, जिससे हम इसकी हीट को चेक करेंगे कि कितने रेडिएशन से कितनी हीट से रेडिएशन आ रही है। तो बस सिंपल सी मेथड है कि यहाँ से क्या होंगे रेडिएशन टकराएंगे, ये पूरी पट्टी गर्म होगी, उसका महसूस कहाँ होगा सबसे ज़्यादा, ये ब्लैक एंड सिल्वर डिस्क से उस पर महसूस करेंगी, इस पर टकराएंगी। अब इससे कहाँ डायरेक्ट हमारा थर्मोमीटर जुड़ा हुआ है, थर्मोमीटर जुड़ा है तो इस पर जो हीट एकदम डायरेक्ट इमिटेड होगी उस हीट को ये तुरंत महसूस कर लेगा और ये हमारा थर्मोमीटर बता देगा कि कितनी हीट थी इस रेडिएशन में। उम्मीद है इसको आप समझ गए होंगे। अब जो हमारी एप्ली पायरेलियोमीटर है, ये हमारा जो मैंने अभी अबाउट पायरेलियोमीटर समझे थे हम लोगों ने, बिल्कुल सेम ही होता है, लेकिन जो हमारी अंदर दिख रहा है ये जो हमने प्लेट रखी थी ब्लैक सिल्वर की, वो सेम रहती है, लेकिन इसको ऊपर से बंद कर दिया जाता है। फिर इसको बंद कर दिया जाता है तब इसके ऊपर रेडिएशन आती है, वह इसको क्या होती महसूस करती है। इसके साथ भी थर्मोमीटर लगा रहता है और थर्मोमीटर हमारी रीडिंग बताता है। कहने का मतलब ये रेडिएशन मेजरमेंट में सीधा है कि रेडिएशन डायरेक्ट हमें कहीं पर टकराना है, उसको हमें थर्मोमीटर से क्या है डायरेक्ट कनेक्ट करके रखना है, जिससे वह थर्मोमीटर उसकी ऐसा पदार्थ यूज करना है जो कोई डायरेक्ट पूरी रेडिएशन को महसूस कर सके कि कितनी गर्मी है, और वह जितनी गर्मी उसको महसूस कर सके, इसलिए हम उसके साथ क्या करते हैं थर्मोमीटर कनेक्ट कर देते हैं। वह थर्मोमीटर उस बॉडी से जिस पे हमारी रेडिएशन टकरानी है उससे पूरी हीट को क्या कर लेता है सेंस कर लेता है, वह सेंस करके बता देता है कि रेडिएशन में कितनी हीट थी। अब जो सेकेंड टाइप बचा हुआ उसको और समझना हमें। नेक्स्ट है पायरानोमीटर। क्या है पायरानोमीटर? पायरानोमीटर के पूरा डायग्राम यहाँ पर समझाया गया, बहुत ही सिंपल है जैसा मैं ऊपर समझाते आ रहा हूँ। यहाँ पर क्या होता है, जो भी नीचे संरचना बताएगी इससे हमें कोई मतलब नहीं, जो मेन पार्ट्स होते हैं उनसे मतलब होता है। जैसे यहाँ पर आपको दिख रही है एक इसमें क्या आते हैं हम ब्लैक पट्टी का यूज करते हैं, कोई बॉडी होती है इस पर ब्लैक कलर हम लोग क्या करते हैं उस पर पेंट कर देते हैं, उसको इस प्लेटफॉर्म पर हम लोग रखते हैं, उसके नीचे हम लोग क्या करते हैं डायरेक्ट हम नीचे दिख रहा है ये क्या कनेक्ट किया है थर्मोकपल कनेक्ट कर दिया है। क्या थर्मोकपल कनेक्ट कर देते हैं डायरेक्ट बॉडी से, जिससे क्या हो जो बॉडी का टेम्परेचर हो उसको डायरेक्ट महसूस कर सके सेंस कर सके क्या थर्मोकपल। अब यहां पर क्या है इस पट्टी को हम क्या करते हैं कांच से क्या करते हैं गिलास से क्या सकते हैं प्रोटेक्ट करते हैं ढक देते हैं, जैसे कि यहां पर आपको ओरिजिनल डायग्राम दिख रहा होगा इसको ढक देते हैं। अब जो हमारी सूर्य की किरणें डायरेक्ट आती हैं तो वो कहां से ऊपर वाले गिलास से टकराएंगी, तो जो ऊपर वाले गिलास से टकराती हैं और नीचे क्या लगा हुआ है यहां पर ब्लैक बॉडी लगी है, तो ब्लैक बॉडी जो रेडिएशन आ रही है उनकी जो हीट महसूस करता है वो बिल्कुल समानुपाती होती है सेम, जो रेडिएशन की ओरिजिनल हीट होगी वही सेम की सेम हीट ब्लैक बॉडी की हो जाती है, मतलब ब्लैक बॉडी उतनी ही गर्म होगी जितनी एक्चुअल में होना चाहिए रेडिएशन से, तो उसकी जो सेम हीट है उसके साथ हमने क्या थर्मोकपल अटैच किया है, तो थर्मोकपल क्या करेगा उस हीट को सेंस करेगा और सेंस करके वह एक्चुअल में बता देगा कि इसकी कितनी हीट है रेडिएशन की। इस तरह हम लोग पायरानोमीटर से उस रेडिएशन की को मेजरमेंट कर सकते हैं या कह सकते हैं उसकी हीट को हम मेजर कर सकते हैं। उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो वीडियो देखते रहते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें यदि आप चाहते हैं सभी सब्जेक्टों को सिलेबस आपके कंप्लीट हो जाए। बहुत सारे बच्चों को PDF की जरूरत है नोट्स के रूप में या वीडियो लेक्चर की जरूरत है, तो उसके लिए हमारी AB क्लास एप्लीकेशन है। AB क्लास एप्लीकेशन पर सभी तरह के कोर्सेज मिल जाएंगे, आपको उसको डाउनलोड करना है या प्रोसीजर समझना है तो उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना दिया है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है।
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस वीडियो को पूरा देखें और जैसी प्रोसेस मैंने बताई वैसी कंप्लीट करना है। उम्मीद है समझ चुके होंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।